कंझावला केस में पुलिस का एक और यू टर्न। कंझावला कांड में एफआईआर में जोड़ी दफा 302। चार आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। कंझावला केस यानी नए साल के पहले दिन 1 जनवरी की सुबह से पहले हुई उस खौफनाक वारदात को लेकर जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आया तो दिल्ली पुलिस का सर्द मौसम में पसीना छूट गया। गृह मंत्रालय के एक्शन से बचने की गरज से अब दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। तभी तो उसने बड़ा कदम उठाते हुए कंझावला कांड की एफआईआर में आईपीसी की दफा 302 जोड़ दी है। कंझावला केस में पुलिस ने 17 दिन बाद सख्त एक्शन लिया है। अब इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में धारा 302 जोड़ी है। पहले आरोपियों के खिलाफ धारा 304 लगाई गई थी। पुलिस के अफसरों का दावा है कि इतने दिनों की जांच के बाद अब आईपीसी की धारा बदली जा सकती है। लेकिन उधर अंजलि के घर वालों ने अब जाकर राहत की सांस ली है, क्योंकि वो तो पहले दिन से यही बात कह रहे थे। इसमें कोई अब ढिलाई नहीं है, अब पुलिस वो अच्छे तरह अपना काम कर रही है, जिसके कारण इनको 302 कल गए थे हम थाने, एसएचओ साहब ने बोल दिया 302 धारा ऐड कर दी गई है इनका। ऐड कर दी गई है। अब पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हैं। अब संतुष्ट हैं आप भी? जी सर। सुल्तानपुरी में नए साल की रात कार सवार लड़कों ने स्कूटी सवार अंजलि को टक्कर मार दी थी। उसके बाद अंजलि को कार से करीब 13 किलोमीटर तक घसीटा था। इस घटना में अंजलि की दिल्ली की पथरीली सड़कों पर घिसट घिसट कर मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की 31 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक के रूट की सीसीटीवी मैपिंग की थी और उसी के आधार पर साथ में आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस महकमा एक्शन में आ गया था। इस बीच गृह मंत्रालय एक्शन में आया और विशेष आयुक्त शालिनी सिंह की अध्यक्षता वाली जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी तो उसमें भी पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस ने कई यूटर्न लिए और उसमें से एक यूटर्न है धारा 302 को लेकर। शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने कहा मोटिव नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसलिए धारा 302 नहीं लगेगी। लेकिन उसके बाद अब दिल्ली पुलिस के पास मोटिव भी आ गया है और एविडेंस भी मिल गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने धारा 302 ऐड कर दिया। इस एक्शन के बाद अंजलि के घर वालों ने बेटी के कातिलों को फांसी पर चढ़ाने को कहा है। अच्छी बात है, 302 धारा लग गई है, पुलिस वालों का थैंक यू। और मैं तो चाहती हूँ बस मेरी बेटी को इंसाफ मिले और मैं यही चाहती हूँ। पुलिस ने एफआईआर में दफा 302 लगा तो दी है, लेकिन उनका काम अब और ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि अदालत में हत्या को साबित करना उनके लिए एक टेढ़ी खीर साबित होगा।